वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 एंड द टाइटल इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। व्हाट इज इनहेरिटेंस, पहले इसको ही समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चों में जो ट्रेड्स जाने का प्रोसेस है उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। हेरिडिटी के साथ सिनोनिमस की तरह इसको यूज करते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि हेरिडिटी नाउन है। हेरिडिटी इज पासिंग ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ये नाउन है। इनहेरिटेंस उस प्रोसेस का नाम है, यानी इनहेरिटेंस वर्ब है, हेरिडिटी नाउन है। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि यहां पेरेंट से ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज किया है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्यों नहीं लिखा? वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जब हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस जहाँ भी वो यूज़ होगा वो एक फैमिली लाइन में यूज़ होता है, इसलिए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने के प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। एंड व्हाट इज वेरिएशन? डिग्री ऑफ डिफरेंस अमंग ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात हो तो जो डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल्स में उसकी डिग्री को बोलते हैं वेरिएशन। इसीलिए कहते हैं टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलरली टू ब्रदर्स और सिस्टर्स दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। कुछ ना कुछ वेरिएशन उनमें होती है। सो यहाँ एक टर्म आ गया ट्रेड्स, इसको समझ लेते हैं यहीं शुरुआत में ही, क्योंकि ये चैप्टर डियर स्टूडेंट्स इतना इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसको पढ़ने में मज़ा आता है। मैथमेटिकल है, स्टैटिस्टिकल है, सिस्टेमेटिक है, हिस्टोरिकल भी है, लॉजिकल भी है, और सबसे बड़ी बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन हर साल इनमें से आते ही आते हैं, तो मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। शुरू में ही हम कुछ बेसिक समझ रहे हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स करैक्टर्स बोल लीजिए, करैक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, फीचर्स बोल लीजिए, आर नेचुरल बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स, बैंक बैलेंस नहीं, बायोलॉजिकल एसेट्स। हैविंग डिफरेंट वर्जन्स और फॉर्म्स इन विच दे आर एक्सप्रेस्ड अमंग इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। जैसे आई कलर एक ट्रेट है, आई कलर एक फीचर है, एक करैक्टरिस्टिक है, जो एक्सप्रेस कैसे होती है, या तो ब्लैक होगी या ब्राउन होगी या ब्लू होगी, कई कलर्स उसके होंगे, ये उसका एक्सप्रेशन है उस ट्रेट का। ये जो ब्लैक ब्राउन ब्लू हैं इनको बोलते हैं फिनोटिपिक वेरिएशंस ऑफ अ ट्रेट। फिनोटिपिक वेरिएशंस ऑफ अ ट्रेट, फिनोटिपिक मीन्स ऑब्जर्वेबल आउटवर्ड एक्सप्रेशन, जो बाहर से देखने में नजर आ रहा है। अगर हम बात करें फिनोटाइप, किसी इंडिविजुअल का फिनोटाइप, फिनोटाइप इज सम टोटल ऑफ ऑल द ट्रेट्स। आई कलर, हेयर कलर, नोज शेप, ईयर शेप, हाइट, ये सब चीज़ें मिला देंगे तो उसका टोटल फिनोटाइप बन जाएगा। ये जो फिनोटाइप या ट्रेट्स होते हैं ये कंट्रोल होते हैं इंडिविजुअल के जीनोटाइप से। जीनोटाइप मीन्स अंदर, बॉडी के अंदर, जिसे देखा नहीं जा सकता। जीनोटाइप इज कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। इनहेरिटेंस प्रोसेस है ये, हमें समझ आ गया। यहाँ यूज हुआ है वर्ड पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, तो इस पेरेंट ने पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे दी ऑफस्प्रिंग को, इस ऑफस्प्रिंग ने आगे अपने ऑफस्प्रिंग को, उसने आगे अपने ऑफस्प्रिंग को, और ये जो पेरेंट के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी ये कहाँ से आई थी? इसके अपने पेरेंट से, उनके पास उनके अपने पेरेंट से। लेफ्ट साइड का जो अगर हम स्टडी करें, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं पेडिग्री,
और राइट साइड को बोलते हैं प्रोजेनी। क्लियर? कोई लैंग्वेज आप बोलते हैं, साइकिलिंग आप करते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हैं, या कोई और स्किल आपने अपने अंदर डेवलप कर ली है, ये जो सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेट्स हैं इन इंडिविजुअल्स के, ये लर्निंग से आए हैं, ये सीखे गए हैं, इनको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये इनबॉर्न नहीं है, इसलिए इनहेरिटेंस नहीं होती ऐसे ट्रेट्स की। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड। अब हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस की टाइमलाइन क्या रही हिस्ट्री में, कब कब क्या क्या इंसान को पता चलता रहा इनके बारे में। इसमें से बहुत ज़्यादा आपने याद नहीं करना है, सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ याद करने वाली कोई लाइन आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए याद कर लेना। 8000 बीसी से 1000 बीसी हमें मालूम था कि कॉजेज ऑफ वेरिएशंस आर हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन बींग्स ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके या सिलेक्टिव ब्रीडिंग फॉर डिजायरेबल करेक्टर्स एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी करके जो हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे वाइल्ड वेराइटीज़ में से, उनको हम सिलेक्ट करते रहे और आगे आर्टिफिशियली उनको ब्रीडिंग करते रहे, और इस तरीके से हमने कुछ एनिमल्स या प्लांट्स अपने यूज़ के अलग कर लिए। इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और आपको याद रखना है क्योंकि एक बार ये पूछा हुआ है किस स्टेट से साहिवाल काउ बिलोंग करती है, पंजाब से। अब जो सबसे पहले हमें हिस्ट्री मिलती है इनहेरिटेंस से संबंधित, वो मिलती है पाइथागोरस। 580 to 500 BC पाइथागोरस कहते थे कि कोइटस के दौरान मेल जो होता है वो मॉइस, उसके बॉडी के हर एक ऑर्गन से कोई वेपर्स निकलते हैं और जिनसे एम्ब्रियो बनता है, इसे बोलते हैं मॉइस्ट वेपर थ्योरी। फिर वेपर से आगे जा कर के एम्पीडोकल्स ने उसको फ्लूड कहना शुरू कर दिया कि हर एक बॉडी पार्ट से फ्लूड बनता है, और दोनों पेरेंट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो फ्लूड बना है वो मिक्सअप होकर के एम्ब्रियो बनाता है। उसके बाद जो हिप्पोक्रेटस आया, हिप्पोक्रेटस ने ब्रिक एंड मोटर थ्योरी दे दी। उसने कहा ना तो वेपर है ना फ्लूड है, ये तो कोई सॉलिड मटेरियल है, कोई फिजिकल सब्सटेंस है जो बॉडी के हर एक पार्ट से कंसंट्रेट हो जाता है मेल के सीमेन में, और वोम्ब में जा कर के फिर उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। तो तीन थ्योरी बहुत पुरानी चलती रहीं। फिर एरिस्टोटल, उसने रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी दी। उसने ये कहा कि साहब मेल सीमेन जो कंट्रीब्यूट करता है एक्टिव एलिमेंट जिससे एम्ब्रियो की लाइफ स्टार्ट होती है, फीमेल तो सिर्फ न्यूट्रिशनल मटेरियल देती है उसके लिए, यानी सीड इज जनरेटेड बाय मेल और फीमेल उस सीड को जनरेट होने की जगह दे रही है। जैसे उसने जो एग्जांपल यूज़ किया था कि कारपेंटर डज नॉट ब्रिंग दी वुड, ओनली गिव्स इट शेप एंड फॉर्म, यानी फीमेल तो कारपेंटर की तरह काम करती है, ये एरिस्टोटल का कहना था। उसके बाद आप देखिए गैप, फिर स्वामर डैम ने 1679 में दी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। उसका प्री फॉर्मेशन, उसका कहने का मतलब ये था कि जो स्पर्म है या एग है उसके अंदर मिनिएचर फॉर्म में छोटा सा ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी है, उसका नाम रख दिया होमनक्यूलस, और फर्टिलाइजेशन तो सिर्फ उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए होती है, बाकी वो पहले से बना हुआ है। लेमार्क ने सॉफ्ट इनहेरिटेंस दिया, उसका कहना था कि एक्वायर्ड ट्रेट्स भी इनहेरिट होते हैं थ्रू यूज़ और डिसयूज़, यानी जिन एक्वायर्ड ट्रेट्स को या जिन ट्रेट्स को हम यूज़ करते रहेंगे वो नेक्स्ट प्रोजेनी में जाएंगे, जिनको यूज़ नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएंगे। फिर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिसका नाम डार्विन था, 1868 में थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस दिया। हालांकि सिमिलर थ्योरी उससे पहले माउपर्टुइस दे चुके थे, ये पार्टिकुलेट थ्योरी भी कहलाती है क्योंकि ये पार्टिकल्स की बात करते हैं,
डार्विन ने क्या कहा कि बॉडी की हर एक सेल से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं जिनका नाम है जेम्यूल और पेंजीन, और ये जेम्यूल और पेंजीन थ्रू आउट लाइफ अफेक्ट भी होते रहते हैं, यानी एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स भी इनमें होती हैं। और सारी बॉडी से जो ये पेंजीन्स बनते हैं ये गैमीट्स में कलेक्ट हो जाते हैं ब्लड के थ्रू और जाइगोट तक चले जाते हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ में 1868 में ये थ्योरी दी गई है, 1868। फिर 1883 में जर्म प्लाज्म थ्योरी, वीजमैन, हेरिडिटरी मटेरियल, उसने बोला जर्म प्लाज्म है जो सिर्फ स्पर्म और एग सेल्स में है। सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स का कंसेप्ट दिया इन्होंने। सोमेटिक सेल में सोमेटोप्लाज्म होता है, जर्म सेल्स में जर्म प्लाज्म होता है, और जर्म प्लाज्म ही नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करता है। वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट टेल कटिंग इन माइस। तो इससे इसने ये क्लियर कर दिया कि भाई एक्वायर्ड ट्रेट्स आगे इनहेरिट नहीं होते। उसने माइस में टेल काटी मेल फीमेल की, आगे जो बच्चे पैदा हुए उनकी टेल थी, फिर किया फिर भी टेल थी, तब उसने कहा कि एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड और सोमेटिक सेल्स का उनमें कोई लेना देना नहीं है। तो 1868 डार्विन की थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस और 1883 जर्म प्लाज्म थ्योरी। फिर 1900 में फाइनली रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क हुआ। इससे पहले मैंने आपको मेंडल नहीं पढ़ाया क्योंकि मेंडल अब हम आगे पढ़ेंगे। मेंडल की कहानी रीडिस्कवरी के बाद शुरू हुई, जो हुई 1900 में, जबकि 1865 में उसने पब्लिश कर दिया था अपना पेपर एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें उसने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस समझा दिए थे। 1865 डार्विन की कब है? 1868, यानी डार्विन ने तब तक इसको नहीं पढ़ा था, जबकि मेंडल ने डार्विन को भेजा था लेकिन डार्विन ने उसको नहीं पढ़ा था। यहाँ से शुरू हुआ, 1900 से शुरू हुआ ईरा ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। यहीं पे एक और चीज़ ध्यान रख लेना, फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, बट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इनके बारे में भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। जो मेंडल से पहले का जो ईरा था उसमें ये दोनों चीज़ें डोमिनेट कर रही थी साइंटिस्ट के माइंड को, के इनहेरिटेंस में मेल का ज़्यादा रोल है, एक तो ये बात उनके दिमाग में बैठी हुई थी, और ब्लेंडिंग थ्योरी यानी मेल और फीमेल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो फ्लूड के थ्रू, वेपर के थ्रू, पार्टिकल्स के थ्रू, पेंजीन के थ्रू, आपस में ब्लेंड हो जाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसमें दोनों के ट्रेट्स का मिक्सचर होता है। ये एक स्लाइड बड़ी एग्जॉस्टिव सी है, आपको याद कुछ नहीं रखना है, सिर्फ एनसीईआरटी में ये मैंने ब्लैक कलर में दिखा दिया है। ये लाइन लिखी हुई है कि क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस 1902 में पता चला था, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए और कंसेप्चुअल बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। स्पर्म कब पता चल गया था? जब लेवन हक ने माइक्रोस्कोप बना दी थी 1677 में। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में हमें बता दिया था। और उसके बाद 1865 याद करिए, मेंडल की थ्योरी आ गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी। मेंडल को इसका मतलब है न्यूक्लियस के बारे में तो शायद उसने पढ़ा हो, लेकिन इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो मेंडल नहीं जानता था। 1869 में मीशर ने न्यूक्लीन नाम का सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर होता है ये ढूंढ लिया था। फिर फ्लेमिंग ने 1876 में क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ढूंढ दिए थे, माइटोसिस का पता चल गया था। हर्टविग ने मियोसिस ढूंढी 1876 में। फिर 1878 में हर्टविग ने बता दिया कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म का न्यूक्लियस ऊसाइट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है।
ये कोसल ने 1880 में जो न्यूक्लिन के ऊपर बात हुई थी, उस न्यूक्लिन को एसिडिक है ये चीज़ हमें बता दी, और उसने न्यूक्लियो बेसिस भी आइडेंटिफाई उस समय कर दिए थे। ये न्यूक्लियो बेसिस आगे हम पढ़ेंगे। फिर वाल्डेयर, जो कि फ्लेमिंग का ही एक कलीग था, फ्लेमिंग ने क्या किया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन ढूंढे थे, उसने नाम दिया क्रोमोसोम्स। क्रोमा मीन्स कलर, सोम मीन्स सोमा से लिया है बॉडी, कलर्ड बॉडीज। 1889 में आल्टमैन, ये मिशर का स्टूडेंट था, ये मिशर ने क्या किया था, न्यूक्लीन ढूंढा था, तो उसने टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड, और ये बताया कि ये सिर्फ बॉडी में क्रोमोसोम्स में होता है और कहीं नहीं होता। फिर 1902 में एज पर एनसीईआरटी क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस पता चल चुका था। 1905 में टर्म मियोसिस, ओरिजिनल स्पेलिंग कुछ और थे, इंट्रोड्यूस्ड बाय फार्मर एंड मूरे। और ये लास्ट में थोड़ा सा मैंने बड़ा करके लिख दिया है, 1909 में जोहेंसन ने टर्म कॉइन किए जीन फिनोटाइप जीनोटाइप। 1909 में, मेंडल के टाइम पे ये नहीं थे, हालांकि मेंडल को पढ़ते हुए हम इन टर्म्स को अब यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉज। ये तीन जेंटलमैन थे, बिग साइंटिस्ट, ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरेंस और शेरमार्क। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली, यानी आपस में इकट्ठे होके नहीं, सबने अलग अलग ही ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर रीडिस्कवर कर दिए मेंडल्स के लॉज। और इनकी ग्रेटनेस ये थी कि इन्होंने उन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का क्रेडिट मेंडल को ही दिया। ये है वो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो, ये मेंडल का हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्टेड पेपर है जो उसने पब्लिश कर दिया था 1865 में। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो, इसका टाइटल, इस टाइटल की वजह से भी बहुत गड़बड़ हुई थी, आगे मैं बताऊंगा आपको। ये टाइटल जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसका इंग्लिश मीनिंग है एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये राइट साइड में मेंडल की नोटबुक से लिया हुआ है, ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग मेंडल ने की थी। तो ये वो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, ग्रिगोर जोहान मेंडल, इनको नमस्कार करके आगे ये लेक्चर चलाते हैं। 1856 से 1863 सेवन ईयर्स तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, कब से कब तक किया था जी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट, कितने साल किया था, तो 7 साल, 1856 से 1863, 1857 में जिस समय हम आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ रहे थे, ये उन दिनों की बात है। किए किस पे एक्सपेरिमेंट, गार्डन पी के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नाम याद करना पड़ेगा हमें, पाइसम से टाइवम, गार्डन पी, दिस इज नॉट स्वीट पी, यहीं पे बता रहा हूँ, गार्डन पी, ये है गार्डन पी। हालांकि मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हनी बीज के ऊपर, माइस के ऊपर, और उसका बेसिकली इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी और मेटीरियोलॉजी। मेटीरियोलॉजी होती है जो मौसम की जानकारी वगैरह रखते हैं, बेसिकली वो ट्रेंड था फिजिक्स में। और अपने इन 7 सालों में करीब करीब 29,000 पी प्लांट्स उसने यूज़ किए थे। आप उसके रिकॉर्ड कीपिंग देखिए, कैसे कैसे एक एक प्लांट के रिकॉर्ड रखे होंगे उसने। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उसने गार्डन पी क्यों यूज़ किया। गार्डन पी में एक तो क्या है कि कंट्रास्टिंग फॉर्म्स में ट्रेट्स अवेलेबल थे, कि प्लांट एक बहुत लंबा है, एक बहुत छोटा है, लाइफ साइकिल इसकी रैपिड होती है, एनुअल प्लांट है ये, तो कई साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेट्स की इनहेरिटेंस देखने के लिए, बहुत इजीली मेंटेन हो जाते हैं, चाहे इसको गार्डन में लगा लीजिए, और क्योंकि मौसम वगैरह से और फॉरेन पोलन से बचाने के लिए मेंडल इनको क्या करता था, पॉट्स में लगा लेता था और रूम के अंदर रख लेता था। बहुत सारे सीड्स बनते हैं, सीड्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है,
हैंडल इजीली हो जाते हैं, स्टोर इजीली हो जाते हैं, और एक पॉड में कई सारे सीड होते हैं, तो एक पर्टिकुलर मेल फीमेल से जो सीड्स बने उनको रखना, मेंटेन करना, रिकॉर्ड रखना, ये सब चीज़ें बहुत आसान थी। और वाइल्ड टाइप में यानी नेचुरल फॉर्म में बहुत सारी ट्रू ब्रीडिंग वाइल्ड लाइंस अवेलेबल थी। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का मतलब होता है जो जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन वही ट्रेड्स एग्जिबिट होते रहें। फ्लावर्स बाइसेक्चुअल होते हैं, तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन भी आप कर सकते हो, और सेल्फ पॉलिनेटिंग तो ये नेचुरली होते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा है कि क्रॉस पॉलिनेशन बाय विंड इंसेक्ट इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये डर नहीं था कि मैंने इस प्लांट को स्टडी करना है इस ट्रेड के लिए और इसकी क्रॉसिंग करानी है इस ट्रेड से, तो कोई तीसरे ट्रेड का पोलन आके क्रॉस पॉलिनेट ना कर दे, ऐसे चांसेस पी में बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो पेटल्स होती हैं, 5 पेटल होती हैं, ये सबसे इधर एक बैनर होता है, ये डायरेक्ट हवा से आने नहीं देता पोलन्स को, फिर फर्दर बचाने के लिए ये 2 विंग्स होते हैं, और अंदर 2 फ्यूज्ड पेटल्स हैं जिनको बोलते हैं कील। इस कील के अंदर होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन सिलेक्टिव ब्रीडिंग से प्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है। इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसके लार्ज होते हैं और इजीली हैंडल किए जा सकते हैं, ताकि डेलिब्रेटली आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम कर सकें। और जो हाइब्रिड्स बनते हैं वो परफेक्टली फर्टाइल होते हैं, अगर फर्टाइल नहीं होंगे तो आगे की जनरेशन्स को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। ये क्लोजअप देख लीजिए, ये सबसे बाहर है बैनर या स्टैंडर्ड, ये है विंग, एक साइड का दिखाया हुआ है इसमें, ये काटा हुआ है 5वीं पेटल जो 2 फ्यूज पेटल से बनती है, जिसका नाम है कील। इसके अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो ग्रीन कलर का है, और ये सारे दिखाए हुए हैं स्टेमन, ऊपर है एंथर, और ये नेचुरली सेल्फ फर्टिलाइजिंग होता है। एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन देख लीजिए, ये हमारी एनसीईआरटी में P71 पे Figure 5.2 में दिखाया भी हुआ है कि मेंडल ने किया क्या, वो कील को खोलता था और ये उसने जो स्टेमेन हैं इनको काट दिया, हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ईमेस्कुलेशन। फीमेल में काट दिया इनको, यहाँ से अंथर उठाए जिस भी मेल से वो उठाना चाहता था और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। ये देखिए, ये ब्रश से उठा रहा है इन एंथर से पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स इसने डाल दिए इस स्टिग्मा के ऊपर, और यहाँ वाले एंथर ऑलरेडी रिमूव किए हुए हैं। चले आगे, तो मेंडल जी ने 7 ट्रेड स्टडी की है पी प्लांट्स में, 7 ट्रेड्स उन्होंने स्टडी किए। P71 के ऊपर ये Table 5.1 है जिसमें ये 7 करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ये हमें याद करने हैं, ये हमारे टिप्स पे होने चाहिए। रात को नींद से उठा के भी कोई पूछ ले तो हम सातों एकदम से बता दें। स्टेम हाइट, फ्लावर में उसने कलर, फ्लावर की पोजीशन, पोड की शेप और पोड का कलर। पोड होता है जो मटर की जो फली होती है जिसके अंदर सीड्स होते हैं, जिनको छील करके हम सीड्स निकालते हैं फिर सब्जी बनाते हैं, और सीड्स में उसने शेप और सीड का कलर स्टडी की है। ये सातों के सातों याद कर लीजिए। एक स्टेम में कई जगह प्लांट हाइट भी लिखा है स्टेम हाइट की जगह, यानी एक तो ओवरऑल हाइट, 2 फ्लावर में, 2 पोड में और 2 सीड में। फिर जो 7 ट्रेड्स जो स्टडी किए गए वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, यानी इन सातों की दो दो फॉर्म थी जो आपस में कंट्रास्टिंग थी। क्या थी? हाइट में टाल एंड ड्वार्फ, लंबा और छोटा, फ्लावर में वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, पोड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन येलो, सीड
शेप राउंड रिंकल एंड सीड कलर येलो ग्रीन। एक्चुअली उसने सीड कलर हम एनसीईआरटी में और बाकी लिटरेचर में लिखा देखते हैं, उसने स्टडी किया था कॉटिलीडन का कलर। सीड में याद करिए बाहर सीड कोट होता है, उसके अंदर दो कॉटिलीडन होते हैं, तो उसने कॉटिलीडन के कलर की बात की है यहाँ पे। और फ्लावर कलर की बजाय उसने एक्चुअली स्टडी किया था सीड कोट का कलर। ये सीड कोट दिखाया हुआ है, ये अंदर तो है कॉटिलीडन, ये है सीड कोट जिसकी दो कंट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी की थी, ग्रे एंड वाइट। कई जगह आपको वायलेट की जगह पर्पल भी लिखा मिल सकता है। ये है पेज 70 के ऊपर फिगर 5.1 जिसमें ये सारे ट्रेड्स दिखाए हुए हैं। कौन सा करेक्टर सीड शेप साफ राउंड हो सकता है, रिंकल हो सकता है, सीड कलर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, वायलेट हो सकता है, वाइट हो सकता है, पोड शेप फुल हो सकती है, कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है, पोड का जो कलर है ग्रीन या येलो, यहाँ पे ग्रीन इधर है, यहाँ पे ग्रीन इधर है, अभी से याद कर लें, यहाँ येलो इधर है, इधर येलो इधर है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं बाद में बताऊँगा। ये एक्सियल फ्लावर है, ये टर्मिनल है, बिल्कुल टर्मिनल एंड पे लगा हुआ है, ये लंबा पेड़ है भाई, ये छोटा है। यहाँ मैंने बता दिया वायलेट की जगह पर्पल भी कभी लिखा मिल सकता है, और फुल की जगह इन्फ्लेटेड, फुल की जगह इन्फ्लेटेड, जबकि आप देखें एनसीईआरटी ने खुद ही यहाँ पे इन्फ्लेटेड वर्ड यूज़ किया है टेबल 5.1 में, और यहाँ पे यूज़ किया है फुल, तो फुल मीन्स इन्फ्लेटेड। ड्वार्फ की जगह कभी आपको शॉर्ट भी लिखा मिल सकता है, टाल एंड शॉर्ट, और कंस्ट्रिक्टेड की जगह कहीं पे आपको फ्लैट भी लिखा मिल सकता है। ये फिर से देख लीजिए, पर्पल आ गया, पर्पल एंड वाइट, टाल एंड शॉर्ट, येलो एंड ग्रीन, राउंड एंड रिंकल्ड, ग्रीन येलो, इन्फ्लेटेड या फुल, कंस्ट्रिक्टेड या फ्लैट, एक्सियल फ्लावर, ये देख लीजिए एक्सेल में लगा हुआ है, ये टर्मिनल है, बिल्कुल टॉप पे लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेंडल के एक्सपेरिमेंट जब उसने शुरू किए तो उससे पहले ब्लेंडिंग मॉडल चलता था, यानी दोनों की ट्रेड्स की मिक्सिंग होनी है मेल फीमेल के। सो उसने प्रेडिक्ट क्या किया कि जब मैं टाल को शॉर्ट के साथ मिक्स कराऊंगा तो नेक्स्ट प्रोजेनी मीडियम होनी चाहिए, इसके और इसके बीच का ट्रेड आना चाहिए, और जब मैं इनको फिर सेल्फ फर्टिलाइज कराऊंगा तो सारे के सारे आगे मीडियम बनते चले जाने चाहिए। क्लियर? तो मेंडल ने ये सोच करके पी प्लांट के टाल और शॉर्ट को क्रॉस करवाया, तो उस क्रॉस से जो प्रोजेनी बनी वो बननी चाहिए थी मीडियम हाइट की, लेकिन मेंडल ने क्या पाया कि प्रोजेनी सारी की सारी टॉल थी। तो मेंडल ने सोचा कहीं ये, क्योंकि उस समय मेल के डोमिनेंस वाली भी बात चलती थी, तो उसने ये सोचा कहीं मेल मैंने ये प्लांट लिया, फीमेल मैंने ये प्लांट लिया, इस वजह से ऐसा तो नहीं हो गया कि ये मेरा मेल प्लांट था, ये मेरा फीमेल प्लांट था, इसलिए ये सारे टॉल हो गए। तो उसने इसका मेल लिया, इसका फीमेल लिया, यानी इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस कराया। तो उसने देखा कि चाहे मैं ऐसे क्रॉस कराऊं, चाहे मैं ऐसे क्रॉस कराऊं, दोनों ही तरीके से जितने भी आगे प्रोजेनी होती है वो सब टॉल हो रही है। सेम दूसरे करेक्टर्स जब उसने स्टडी किए तो दो अलग अलग वैरायटी के पेरेंट्स थे, लेकिन बच्चे सारे एक ही वैरायटी के हुए, मिलते हुए किसी एक पेरेंट से। फिर उसने तीसरी स्टडी की, तीसरे में भी उसको वही रिजल्ट मिला। इस तरीके से जब उसने सातों के सातों ट्रेट स्टडी किए तो उसने देखा प्रोजेनी में एक ही ट्रेट आ रहा है किसी एक पेरेंट वाला, और पेरेंट्स में मेल फीमेल कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब मेंडल सोचने लगा ऐसा क्यों हुआ,
इतने सालों से, हजारों सालों से तो हम कुछ और सुनते आ रहे थे। तो उसने क्या किया, ये P72 का डायग्राम है हमारी NCERT में, कि जो ये सारे टॉल आए थे बच्चे, ये पेरेंट थे, ये जो बच्चे टॉल आए थे, इनको सेल्फ आपस में किया या सेल्फ कर दिया, एक ही बात है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फिंग, यानी उसी का पोलन उसी के स्टिग्मा के ऊपर। तब उसने देखा कि ये ड्वार्फ वापिस आ गए, जो ड्वार्फ इस जनरेशन में नहीं थे, नेक्स्ट जनरेशन में आ गए, पेरेंटल जनरेशन में ये थे। काफ़ी सारे टॉल थे, एक ड्वार्फ था, यानी प्रपोर्शनेटली हम बात कर रहे हैं, तीन टॉल हैं तो एक ड्वार्फ है। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, ये है पेरेंटल जनरेशन, ये है F1 जनरेशन और ये है F2 जनरेशन। F1 F2 कहाँ से वर्ड आए, फर्स्ट फीलियल सेकंड फीलियल जनरेशन्स हैं ये। फीलियल में लेटिन वर्ड है फीलियस मीन्स सन, फीलिया मीन्स डॉटर, फीलियल मीन्स ऑफ स्प्रिंग, क्लियर है। इसलिए इनको F1 F2 जनरेशन बोलते हैं, और पेरेंटल जनरेशन को कहीं कहीं F0 या P जनरेशन भी बोलते हैं, क्लियर। अब ये जो टॉल और शॉर्ट थे, जब उसने इनका रेशो निकाला तो ये 3:1 निकले, यानी अगर तीन पौधे पी के लंबे थे तो एक छोटा था। एक्चुअली उसने जब गिने थे तो 787 टॉल थे और 277 शॉर्ट थे, 2.84:1 का रेशो निकला था। इसी तरीके से वो बाकी ट्रेड स्टडी करता रहा और अल्टीमेटली उसने रेशो निकाला 3:1 का। ये एक्चुअल फिगर्स हैं सातों ट्रेड्स में जो उसने स्टडी करी, F2 जनरेशन में कितने नंबर आए और ये रेशो निकले 2.96:1, 2.99, 3.15, 3.14, 2.84, 2.95, 2.82, यानी एवरेज निकाला 3:1 के रेशो में नज़र आते हैं। अब जो F1 प्रोजेनी में जो ट्रेट नज़र आया उसको उसने बोला डोमिनेंट ट्रेट, और जो ट्रेट F2 जनरेशन में रीअपियर हुआ उसको उसने बोला रिसेसिव ट्रेट। ये टर्म मेंडल के दिए हुए हैं। ये मेंडल ने देखिए कितना बारीकी से सारा रिकॉर्ड रखा होगा, दोबारा मैं दिखा रहा हूँ कि ये सारे के सारे उसने कुछ एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं, क्योंकि इतने हजारों पेड़ में बार बार वो कलर लेंथ और ये वो कैसे लिखेगा, तो उसने कुछ एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं। क्या क्या एब्रीविएशंस यूज होते हैं और क्या कन्वेंशन है ये हमें पता है, ये सब डोमिनेंट हैं क्योंकि ये F1 जनरेशन में ये ट्रेट नज़र आते हैं, ये रिसेसिव हैं क्योंकि ये रीअपियर होते हैं F2 में। तो जो डोमिनेंट होते हैं उस ट्रेट का फर्स्ट लेटर, टॉल का टी, एक्सियल का ए, वायलेट पर्पल क्योंकि यूज़ करते हैं तो पी, इन्फ्लेटेड का आई, जी, आर एंड वाई कैपिटल लेटर्स में इनको डिनोट करते हैं डोमिनेंट ट्रेट को, और रिसेसिव को अब DTWCYWG नहीं लिखते, जो डोमिनेंट है उसकी कैपिटल फॉर्म यहाँ और स्मॉल फॉर्म यहाँ, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। लेकिन NCERT में P75 पे क्या यूज़ किया हुआ है, WWWW, जबकि वाइट तो रिसेसिव होता है और पर्पल डोमिनेंट होता है, लेकिन क्योंकि ये NCERT में एक एग्जांपल दिया हुआ है तो ये एक एबिरेशन समझ लीजिए, बाकी कहीं आपको लिटरेचर में ये नहीं मिलेगा। अब क्योंकि मैंने बात की थी कि उसने सीड कोट का कलर भी स्टडी किया था, तो उसमें ग्रे इज डोमिनेंट एंड वाइट इज रिसेसिव, और ग्रे का जी पहले यहाँ यूज हो गया तो यहाँ यूज किया गया सी, सी मीन्स कलर्ड,
और स्मॉल सी मीन्स नॉट कलर्ड यानी वाइट। अब जो ये 3:1 का रेशो आया था तो उसने ये सोचा कि इन तीनों का जीनोटाइप क्या होना चाहिए। देखने में तो तीनों लंबे हैं लेकिन क्या ये तीनों सेम हैं, तो कैसे पता करें। यहाँ पे आप देखिए मेंडल ने एक जगह ये वी के साथ कुछ आई लिखा हुआ है, यहाँ भी वी के साथ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ वी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मेंडल ने जो ये आई वर्ड यूज़ किया था ये इम्प्योर लिखा था उसने। तो टर्म आए हमारे को समझने वाले होमोजाइगस, हेटरोजाइगस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स ऐसा क्रॉस जिसमें एक ट्रेट का डिफरेंस है मेल और फीमेल प्लांट में। हालांकि प्लांट तो बाइसेक्चुअल है, मेल फीमेल हम उस रेफरेंस में यूज़ कर रहे हैं कि कहाँ से उसने पोलन लिए और कहाँ डाले। होमोजाइगस हेटरोजाइगस, होमोजाइगस मीन्स जिसमें ट्रेट आगे से आगे से आगे से आगे जनरेशन तक सेम चलते चले जाएंगे। इम्प्योर वर्ड उसने यूज़ किया जिसको आज हम बोलते हैं हेटरोजाइगस, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन में कुछ दूसरा ट्रेट यानी रिसेसिव ट्रेट एग्जिबिट हो जाए। मेंडल डिड नॉट यूज द टर्म जीन, अलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, ये सब बाद की इंट्रोडक्शन है। उसने तो नोटेशन या कन्वेंशन दी थी कैपिटल लोअर केस लेटर्स की डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स के लिए, जो हम आज भी यूज़ करते हैं। तो उन तीन प्लांट का जब हमें पता करना था कि साहब हमने एक प्योर लाइन यानी होमोजाइगस मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो, कैपिटल टी टी डोमिनेंट, स्मॉल टी टी होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस मीन्स दोनों सेम। जब उसने मेटिंग की तो कैपिटल टी स्मॉल टी निकले होंगे, तभी ये दोनों लंबे थे, और जब उसने सेल्फिंग करी तो 3:1 के रेशो में टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट आए। तो ड्वार्फ प्लांट तो क्लियर है कि स्मॉल टी है, तभी ये ड्वार्फ है, तभी ये रिसेसिव को एग्जिबिट कर रहा है। लेकिन ये तीनों क्या है? ये कैपिटल टी होंगे तब भी फिर लंबे ही होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे तब भी लंबे ही होंगे। तो इन तीनों को पता कैसे किया जाए कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटरोजाइगस डोमिनेंट है। इनको बोलते हैं हेटरोजाइगस डोमिनेंट, यानी कैपिटल टी टी है या स्मॉल टी टी है। ये जो प्लांट है ये तो होमोजाइगस रिसेसिव है, ये हमें पता है। तो इन तीनों का पता करने के लिए अगर मैं इनको सेल्फिंग कर दूं तो बात यही हो गई, क्योंकि इससे आगे जो जनरेशन आएगी उसमें फिर ये रेशो आ जाएगा, फिर हमें इन तीन का पता नहीं होगा। तो सेल्फिंग करने से काम नहीं चलेगा, इनको पेरेंट जनरेशन के साथ क्रॉस कराया जाता है, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। लेकिन इस बैक क्रॉस में भी अगर मैं होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ इनको क्रॉस करा दिया तो नेक्स्ट जनरेशन सारी टॉल ही होगी, मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसको क्रॉस कराया जाता है जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, यानि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब इनको क्रॉस कराएंगे इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो उस टेस्ट क्रॉस से होगा क्या, क्योंकि ये स्मॉल टी है, तो ये स्मॉल टी होने से हमें इनके जीनोटाइप का पता चल जाएगा कि ये कैपिटल टी है, तो नेक्स्ट जनरेशन सारी ही टॉल होगी। अगर इन तीनों में से कोई कैपिटल टी स्मॉल टी है और इसको मैं टी एन टी के साथ क्रॉस करवा रहा हूँ तो 50% प्रोजेनी जो है वो ड्वार्फ होगी। ये देख लीजिए कैसे पता किया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी
यानी इससे कैपिटल टी गैमीट्स में आया, इससे स्मॉल टी गैमीट्स में आया। ये इनको जब हमने मेटिंग कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट्स बने। ये कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट्स हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी इधर के गैमीट्स हैं। इनको फर्टिलाइज कराया तो अगर ये दो गैमीट थे तो कैपिटल टी बन गया। अगर ये और ये थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अगर ये और ये थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। और अगर ये और ये थे तो स्मॉल टी बन गए। तो ये थ्योरेटिकली हमें पता चल गया कि चार में से एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक स्मॉल टी है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। और ये एक्सपेरिमेंटली टेस्ट क्रॉस से वेरीफाई भी कर लिया मेंडल ने। तो यहाँ तक पता चल गया कि साहब F1 जनरेशन में ऑल आर टॉल एंड ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या है? टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो है 3:1। और जीनोटाइप 3 है, फिनोटाइप 2 है, जीनोटाइप 3 है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। और इनका रेशियो क्या है? 1:2:1। तो ये रेशियो हमने याद रखने हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। अब हम इसको देख लेते हैं टेस्ट क्रॉस। ये हमारे पास F2 जनरेशन का पर्पल कलर का फ्लावर है जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेकिन जीनोटाइप हमें इसका नहीं पता। जीनोटाइप इसका कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है। तो टेस्ट क्रॉस किससे होता है? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। ये देखिए, ये होमोजाइगस रिसेसिव हमारे पास पेरेंट था, इसका हमें पता है जीनोटाइप इज स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू से जो गैमीट बनेंगे वो भी दोनों स्मॉल डब्ल्यू बनेंगे। अगर तो ये कैपिटल डब्ल्यू है तो दोनों गैमीट भी कैपिटल डब्ल्यू बन गए। और इनकी जब हमने कम्बिनेशन निकाली तो रिजल्ट क्या होगा? ऑल फ्लावर्स विल बी वायलेट। इंटरप्रटेशन क्या हुई कि ये जो अननोन फ्लावर है जिस पे क्वेश्चन मार्क डला है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्लियर? अगर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो देख लीजिए, 50% ये आएंगे, 50% वाइट आएंगे। हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ फ्लावर्स आर वाइट। तो हमें पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये है। तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस से जीनोटाइप कंफर्म कर लिए मेंडल ने। ये जो पिछले डायग्राम में हमने ये स्ट्रक्चर देखे थे, ये स्क्वेयर्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं पनेट स्क्वेयर। पनेट स्क्वेयर होते हैं ग्राफिकल प्रिडिक्शन। किस चीज़ की? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स। किसी भी जेनेटिक क्रॉस में, इस और इस क्रॉस में क्या प्रोबेबिलिटी है जीनोटाइप की नेक्स्ट जनरेशन की, ये पनेट स्क्वेयर से पता किया जाता है ग्राफिकली। दिया किसने था? रेगिनाल्ड सी पन्नट, एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट था। 1905 के करीब इन्होंने पन्नट स्केयर के बारे में हमें बता दिया। और यहाँ ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि NCERT, CBSE और नीट में महान महान सवाल भी कई बार आ जाते हैं। एक बार ये सवाल आया था कि पन्नट जो महाशय हैं ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे, तो ये ब्रिटेन को बिलोंग करते थे। लेकिन सभी साइंटिस्ट का ऐसे याद मत करने लग जाना, क्योंकि ये ब्रिटिश वर्ड NCERT में कहीं लिखा हुआ था, इसलिए इसको नीट में एक बार पूछ लिया गया।
पन्नट ने विलियम बैटिसन के साथ मिलके 1910 में जर्नल ऑफ जेनेटिक्स भी शुरू किया था। और पन्नट ने एक टेक्स्ट बुक लिखी थी मेंडेलिज्म, जिसे बोलते हैं फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन जेनेटिक्स। इस फॉर्म में भी पन्नट स्क्वायर को प्रेजेंट करते हैं और इस फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं। तो P73 के ऊपर यही वाली चीज़ NCERT ने भी दिखाई हुई है बहुत बढ़िया तरीके से। ये पेरेंटल जनरेशन है, टॉल ड्वार्फ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इनके गैमेट्स बन गए। ये पन्नट स्क्वायर से सारी की सारी F1 जनरेशन क्या बनी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इनकी सेल्फिंग करी तो ये वाले गैमेट्स बने, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला, इधर ये गैमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी। पन्नट स्क्वायर ने हमें बता दिया कि एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी बनेगा। फिनोटिपिक रेशो इज 3:1 फॉर टॉल एंड ड्वार्फ, यानि डोमिनेंट इज टू रिसेसिव। जीनोटिपिक रेशो इज 1:2:1। ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात, यहाँ लिखा भी है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने जब ये सारी चीज़ें कर ली मोनो हाइब्रिड क्रॉस से F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और टेस्ट क्रॉस, तो बड़े हैप्पीली कुछ चीज़ें उसको समझ आ गई। क्या उसने इन्फ्रेंस निकाले? उसने बोला कि मेल ओनली कंट्रीब्यूशन इन इनहेरिटेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, क्योंकि क्लियर कट जो प्रोजेनी है वो दोनों में से किसी एक पेरेंट्स के जैसी दिखाई दे रही है, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई। फिर रीअपियरेंस ऑफ पेरेंटल करेक्टर विदाउट ब्लेंडिंग टेक्स प्लेस इन F2 जनरेशन विच इंडिकेट्स दैट समथिंग इज स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड, क्योंकि जो हाइट पेरेंट वाले ड्वार्फ की थी वही F2 वाले ड्वार्फ की थी, तो कोई चेंज नहीं होता उस समथिंग में, स्टेबल है वो समथिंग। क्लियर? तो इन इन्फेरेंसेस के बेस पे मेंडल ने क्या कंक्लूजन्स निकाले? जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसने 7 ट्रेड्स पे किए, उनसे F1 प्रोजेनी आई, और उसमें उसने देख लिया कि डोमिनेंट ट्रेड ही प्रिवेल करता है F1 प्रोजेनी में, और F1 प्रोजेनी से जब सेल्फ क्रॉस करके F2 प्रोजेनी आई तो उसमें एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक रेशो में ओरिजिनल पेरेंटल करेक्टर दिखाई दिए और उनका जीनोटाइप भी उसने टेस्ट क्रॉस के माध्यम से पता कर लिया और पन्नट स्क्वायर के माध्यम से पता कर लिया, जो था 1:2:1। तो इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे और ये इन्फ्रेंसेस निकाल करके उसने कंक्लूजन निकाले फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिनकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड लॉ तो हम पढ़ेंगे ही, इसके अलावा एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और होता है, तो तीनों लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे और मेंडेलिज्म के कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे, और अगर टाइम हमें बचा तो हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे। सो गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।